नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग 10 क्वेश्चन 10 मिनट, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पशु परिचर 10वीं पास सीटी के बिना महासेमिनार 17 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 98750 क्षेत्र 725 पर संपर्क करें। पशु परिचर का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जो है वो प्रारंभ हुआ है, जिसमें ऑनलाइन फीस जो है वो मात्र 999 रुपये रखी गई। 6 से 10 अक्टूबर 2023 तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 6 से 10 अक्टूबर 2023 राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया? राजस्थान के अंदर 29 कंजर्वेशन रिजर्व थे, 30वां घोषित हो चुका है और यह बनाया गया है बीड़ फतेहपुर को। बीड़ फतेहपुर, और बीड़ फतेहपुर है कहाँ? सीकर के अंदर है। राजस्थान के अंदर पहले 27 कंजर्वेशन रिजर्व थे, फिर 29 हुए और वर्तमान के अंदर संख्या हो चुकी है 30। नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित 8वें स्तर में सर्वाधिक सवाल किस विधायक ने पूछे थे? राजस्थान विधानसभा 15वीं और 15वीं विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे थे वो पूछे थे गुलाब चंद कटारिया ने। गुलाब चंद कटारिया जिन्होंने कितने सवाल पूछे थे? 287 सवाल पूछे थे। नेक्स्ट आता है, 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया। 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे, बदलाव किया गया। अब राजस्थान विधानसभा के चुनाव कब होंगे? पूर्व में जो चुनाव थे उनमें बदलाव कर दिया गया है और अब चुनाव की जो तारीख है वो क्या है? 25 नवंबर। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा के क्या होंगे? चुनाव होंगे और इन चुनाव में बदलाव की तिथि अंकित की गई। फिर आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के किन किन को वोट फॉर हम, यानी कि घर बैठे जो है वो वोट देने की सुविधा प्रदान की है? तो एक तो की है बुजुर्गों को, और बुजुर्गों में भी कितने साल से अधिक होने चाहिए? 80 साल से अधिक, 80 साल से अधिक जिनकी आयु है। और दूसरी दिव्यांग, और दिव्यांग जो है वो 40% से अधिक होने चाहिए। दिव्यांगता जो है वो कितनी है? 40%, और बुजुर्ग 80 साल से अधिक आयु के हों तो उनको घर बैठे जो है वो वोट देने की सुविधा राजस्थान सरकार ने दी है। विश्व भारती सोसाइटी की ओर से राजस्थान के किस व्यक्ति को अनुव्रत लेखक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? विश्व भारती सोसाइटी की ओर से राजस्थान का एक प्रोफेसर जिनका नाम है इकराम राजस्थानी, प्रोफेसर इकराम राजस्थानी, और इकराम राजस्थानी को अनुव्रत लेखक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का उदयपुर जिला और उदयपुर जिले के किस क्षेत्र को नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है, यानी कि मंजूरी दी? राजस्थान के अंदर एक नया लेपर्ड सफारी जो है इसको मंजूरी मिली है, और यह स्थान आता है आपका अमरखजी महादेव क्षेत्र। अमरखजी महादेव क्षेत्र, और ये अमरखजी महादेव जो क्षेत्र है ये है कहाँ? उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर है, जिसको लेपर्ड सफारी की मंजूरी दी गई। फिर आता है एमएस जोधपुर। एमएस जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? एमएस जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर तो बनाया जाएगा जोधपुर के अंदर ही, लेकिन स्थान अगर देखे तो स्थान आता है आपका नेतड़ा। नेतड़ा स्थान जो है वो है कहाँ? जोधपुर जिले के अंदर, और नेतड़ा जोधपुर के अंदर जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस मूर्तिकार ने भगवान श्री कृष्ण के 31 फीट की मूर्ति पर 10 फीट का गोवर्धन पर्वत बनाया है? 31 फीट की तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और उसके ऊपर जो है वो
वो 10 फीट का गोवर्धन पर्वत बनाया है और ये बनाया गया है नाथ द्वारा में। ये अगर पूछे कहाँ बनाया गया है तो ये बनाया गया है नाथ द्वारा में। और जो मूर्तिकार है उस मूर्तिकार का नाम है राजेंद्र प्रजापत, राजेंद्र प्रजापत, राजेंद्र प्रजापत जी के द्वारा इस मूर्ति का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह तो मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, 13 फरवरी को। पूछा गया क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अलग अलग आपके दिवस हैं, इंपॉर्टेंट दिवस है। लास्ट में आपके लिए एक सूचना, सभी ऑनलाइन कोर्स जो है वो संकल्प एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं, और ऑनलाइन कोर्स के साथ 100 टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो निःशुल्क करेंगे, जिसके तहत अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितनी भी वैकेंसी है उनका एक नया बैच ब्रह्मास्त्र कोर्स 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसमें अधिक जानकारी संपर्क करें 8696-91। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।